तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही नया और एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो माइक्रोटेक का 1435 इन्वर्टर है, उसका बहुत ही डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। फ्रेंड, जो UTL का हेलिक 1200 / जिसका जो पहले नाम उसका 1200 था, अब 1500 हो गया है, तो इन दोनों का बहुत डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। और फ्रेंड, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो माइक्रोटेक 1435 था, उसका नाम बदलकर अब माइक्रोटेक 1435N कर दिया गया है। और फ्रेंड, जो इसमें 35 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर था, अब उसको 30 एम्पियर का दिखाया गया है, बट वहाँ पे 20% एक्स्ट्रा ओवर करंट वहाँ पे दिया गया है, तो मतलब वो 35 का चार्ज कंट्रोलर ही है। तो फ्रेंड, बहुत डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी जो माइक्रोटेक का 1435 VA का सोलर इन्वर्टर, वो कभी नहीं खरीदोगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। किसी कंपनी से मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हॉनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, मेरा हर एक वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँगा। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो माइक्रोटेक का 1435N, देखिए फ्रेंड, अभी जो इन्वर्टर, इसका नाम देखिए चेंज करके 1435N कर दिया गया है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो। और फ्रेंड देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें एक तो LCD डिस्प्ले है और साथ में यहाँ पे इंडिकेटर भी दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है ऑन का, चार्जिंग का, और यहाँ पे सोलर अवेलेबल का, लोड ऑन का और ओवरलोड का, ये सब के यहाँ पे इंडिकेटर भी दिए हुए हैं, LED लाइट दी हुई है, साथ में डिस्प्ले भी दी हुई है यहाँ पे। और ये DSP टेक्नोलॉजी पर बैट PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर इसमें, जो कि 35 एम्पियर का है। और जो फ्रेंड देखिए, ये डिस्प्ले पर रिप्रेजेंट करता है कि प्रेजेंट में कितने रियल टाइम में कितनी यूनिट जनरेट हो रही है, जैसे 635 वाट जनरेट यूनिट, तो देखो यूनिट भी प्रेजेंट करता है, साथ में ही कितनी सोलर पावर अभी प्रेजेंट में जनरेट हो रही है वो भी ये रिप्रेजेंट करता है इसकी डिस्प्ले पर। आगे देखते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे, हाँ जो 1435N की हम बात करते हैं, तो फ्रेंड पहले इसका नाम 1435 था, अभी 1435N कर दिया गया है, इसका मतलब न्यू 2022 का ये मॉडल है। और यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम जो सोलर पैनल करंट ये सपोर्ट करता है, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 30 एम्पियर है, बट यहाँ पे सोलर ओवर करंट कैपेसिटी 20% दे रखी है। तो देखिए फ्रेंड, हम सीधा कैलकुलेशन करते हैं कि 100 वाट का जो सोलर पैनल है 5 एम्पियर देता है, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधी से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 100 वाट का पैनल 5 एम्पियर देता है, तो फ्रेंड देखिए 30 एम्पियर लगभग 600 वाट के पैनल देंगे, तो लगभग यहाँ पे हम मैक्सिमम 600 वाट के पैनल लगा सकते हैं, मैक्सिमम भी 600 वाट लगा सकते हैं और कंपनी के अकॉर्डिंग भी 600 वाट के पैनल ही लगा सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा है कि आप ग्रिड चार्जिंग को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है, इसके पीछे की साइड एक स्विच होता है, इसकी सहायता से आप ग्रिड चार्जिंग को डिसेबल और इनेबल कर सकते हो। और इसमें इस पर फ्रेंड आप 45 वाट से 600 वाट तक के सोलर पैनल आराम से लगा सकते हो। और जो ये फ्रेंड इसका VA, ये 1135 VA का इन्वर्टर है, जो इसका नाम है, मॉडल नंबर है माइक्रोटेक 1435N। फ्रेंड इसकी जो कैपेसिटी है VO की, वो 1135 VA का इन्वर्टर है, और ये 12 वोल्ट वाला इन्वर्टर है जो कि एक सिंगल बैटरी पर काम करता है। और इसके अलावा फ्रेंड, ये तो इसके जो मेन फीचर है ये फ्रेंड मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं UTL के SMU की, UTL का जो हेलिक है 1200/1500, इसका नाम पहले 1200 था, 1500 कर दिया गया, इसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हेलिक सोलर PCU है, इनकी बात कर लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए जो हमारा ये है, जो ये PCU आपको दिख रहा है जिस पे मैंने टच किया है फ्रेंड, ये है हमारा UTL का हेलिक 1500, जो कि 1000 VA का एक इन्वर्टर है। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो हमारा माइक्रोटेक 1435 है, उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर मल्टी स्टेज में बैटरी चार्जिंग होती है, वहाँ भी फ्रेंड मल्टी स्टेज में होती है, और ऑटो इक्वलाइजिंग होता है मंथ में एक बार।
और फ्रेंड यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि यहाँ पे मल्टी कलर डिस्प्ले है, उसमें भी वहाँ भी डिस्प्ले है बट यहाँ पे फ्रेंड मल्टी कलर डिस्प्ले जो कि हमें डिफरेंट जानकारी देती रहती है, और यहाँ भी जो KWH है कितनी यूनिट ये जनरेट करता है वो दिखाता है, बट फ्रेंड प्रेजेंट में कितने वाट एनर्जी जनरेट हो रही है वो ये नहीं दिखाता है, ओनली वो माइक्रोटेक का 1435N ही दिखाता है। आगे चलते हम, देखिए सभी प्रकार की बैटरी ये सपोर्ट करता है, और फ्रेंड यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है UTL कि यहाँ पे देखिए PCU स्मार्ट और हाइब्रिड मोड आते हैं, इन तीनों मोड के द्वारा हम चाहे गांव में रहते हो सिटी में रहते हो इन्वर्टर को हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड मोड में केवल सोलर से आपकी बैटरी चार्ज होगी, स्मार्ट मोड में आपका स्मार्ट मोड है फ्रेंड उसमें सबसे पहले सोलर से लोड चलेगा, फिर ग्रिड से चलेगा और लास्ट में बैटरी से चलेगा। जो PCU मोड है इसमें सबसे पहले सोलर से लोड चलेगा, फिर बैटरी से चलेगा और लास्ट में ग्रिड से चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग हमारे इन्वर्टर को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए आगे इसके मेन फीचर देख लेते हैं, तो फ्रेंड हम बात कर रहे हैं UTL हेलिक 1500/1000 VA की। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोल है, जबकि फ्रेंड माइक्रोटेक 1435 में केवल 35 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर था, और यहाँ पे 1000 VA का ही सोलर इन्वर्टर है, जबकि माइक्रोटेक 1435 VA का सोलर इन्वर्टर था। तो VA वहाँ पे ज़्यादा है बट वहाँ पे फ्रेंड जो चार्ज कंट्रोलर है बहुत ही कम एम्पियर का दिया गया है, 35 एम्पियर का, जिसपे लगभग कि हम 600 वाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे लगभग इस इन्वर्टर पर हम लगभग 800 वाट तक के सोलर पैनल आराम से कनेक्ट कर सकते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा फ्रेंड जैसे हम वैसे कैलकुलेशन करके देखिए, जैसे वहाँ पे कैलकुलेशन हमने की थी कि 100 वाट का एक पैनल 5 एम्पियर देता है, तो 50 में 5 का भाग देखो तो डायरेक्ट 1000 वाट आ जाते हैं। तो लगभग मतलब 800 से 1000 वाट तक के सोलर पैनल आप आराम से हम इस पर लगा सकते हैं हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। जो मैक्सिमम ये बैटरी सपोर्ट करता है 200H की बैटरी सपोर्ट करता है, और फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो ग्रिड चार्जिंग है ये 12 से 15 एम्पियर तक होती है। और इसके अलावा फ्रेंड देखिए यहाँ पे आप यहाँ भी ग्रिड चार्जिंग डिसेबल कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। और जो पैनल ऑप्शन अवेलेबल देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है कि 150 वाट के 5 पैनल या 160 वाट के आप 5 पैनल लगा सकते हो, लगभग 800 वाट तक के सोलर पैनल आराम से लगा सकते हो। और इसके अलावा फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो SPV जो सोलर पैनल का करंट है वो हम चेंज कर सकते हैं, जो चार्जिंग करंट है वो हमारी बैटरी के अकॉर्डिंग 10 एम्पियर से 50 एम्पियर तक हम चेंज कर सकते हैं जैसा हम चाहें। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हर चीज़ में आपको लग रहा होगा इसको देखने के बाद, और प्राइस भी फ्रेंड देखिए मैं बताता हूँ, जो माइक्रोटेक 1435N है उसका प्राइस इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। इसका आप यदि आप UTL के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से जाकर लोगे तो फ्रेंड वहाँ पे लगभग आपको ये 6,500 से 7,000 में पड़ जाएगा, बट वही जो माइक्रोटेक 1435N है वो 8,000 से 9,000 का पड़ेगा। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, ये मेरा रिव्यू था। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।